हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ए एस पी डॉट नेट एम वीडियो नंबर टू और आज की वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ए एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म एंड एम तो यहां पर आप देख पा रहे हो मैंने कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रखा है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म की तो ए एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म यूज करता है पेज कंट्रोलर पैटर्न अप्रोच फॉर रेंडरिंग लेआउट इन दिस अप्रोच एवरी पेज हैज़ इट्स ओन कंट्रोलर दैट इज कोड बिहाइंड फाइल दैट प्रोसेस द रिक्वेस्ट यानी कि ए एस पी डॉट नेट पर आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी बटन पर डबल क्लिक करते थे तो उसका एक नया फाइल जनरेट होता था जिसका एक्सटेंशन क्या होता था फाइल नेम डॉट ए पी एक्स डॉट सी एस तो वो कोड बिहाइंड आपको देखने को मिलता था एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म में अगर हम एम वी सी की बात करें तो एस पी डॉट नेट एम वी सी यूज़ करता है फ्रंट कंट्रोलर अप्रोच एंड दैट अप्रोच मीन्स अ कॉमन कंट्रोलर फॉर ऑल पेजेस प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट ओके पॉइंट नंबर टू एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म में लॉर्ड्स ऑफ सर्वर साइड इंट्रैक्शन होता था एंड पोस्ट बैक होते थे वहीं पर एम बी सी की बात करें तो वेरी मिनिमम पोस्ट बैक एंड पोस्ट बैक एंड सर्वर साइड इंट्रैक्शन ओके बहुत ही कम एस पी डॉट नेट की बात करें तो एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म हैज फाइल बेस्ड यू आर एल मीन्स फाइल नेम exist in the URL, which must have its physical existence or Per asp.net MVC has route based URL means the URL are divided into controller and action and uh, moreover it it is based on controller not on physical file. So asp.net web form no separation of concern as we discussed that uh, uh, every page जिसका एक्सटेंशन डॉट एक्स है हैज इट्स ओन कंट्रोलर यानी कि कोड बिहाइंड एंड सो बोथ आर टाइटली कपल्ड और दोनों फाइल एक दूसरे से टाइटली कपल्ड होते हैं बट वहीं पर एम सी में वेरी क्लीन सेपरेशन ऑफ कंसर्न व्यू मॉडल एंड कंट्रोलर आर नीटली सेपरेट ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट से होते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगर हम डॉटनेट की बात करें वेब फॉर्म की बात करें तो बिकॉज ऑफ दिस कपल्ड बिहेवियर ऑटोमेटिकली टेस्टिंग इन रियली डिफिकल्ट और वहीं पर एम में क्या होता है टेस्टबिलिटी इज की फीचर ऑफ एस पी डॉट एम बी सी सो टेस्ट ड्रीवन डेवलपमेंट इज क्वाइट सिंपल यूजिंग दिस अप्रोच पॉइंट नंबर सिक्स वेब फॉर्म में इन ऑर्डर टू अचीव स्टेटफुल बिहेवियर व्यू स्टेट इज यूज पर्पज़ वॉज टू गिव डेवलपर द सेम एक्सपीरियंस ऑफ ए टिपिकल window form application so asp.net mvc approach is stateless as that uh, of the web so here no concept of view state point number 7 statefulness has lots of problem for web environment in case of excessively large view state large view state means increase in page size ओके okay, वहीं पर अगर हम एम की बात करें तो एज कंट्रोलर एंड व्यू आर नॉट डिपेंडेंट एंड आल्सो नो व्यू स्टेट कॉन्सेप्ट इन एम सो आउटपुट इज वेरी क्लीन वहीं पर हम ए एस पी डॉट वेब फॉर्म की बात करें तो ये फॉलो करता है वेब फॉर्म सेंटेक्स और एम फॉलो करता है कस्टमाइजेबल सेंटेक्स बोथ वेब फॉर्म एज वेल एज रेजर सेंटेक्स ओके एंड एम बी सी यहाँ पे एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म की बात करें तो मॉडल्स फॉलो अ कॉम्प्लेक्स पेज लाइफ साइकिल और वहीं पर एम बी सी में नो पेज लाइफ साइकिल लाइक वेब फॉर्म रिक्वेस्ट साइकिल सिंपल इन एस पी डॉट नेट एम बी सी मॉडल एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म वी हैव सर्वर कंट्रोल नो मिनिमल नॉलेज ऑफ एस्टीमल स्क्रिप्ट एंड सी एस एस इज रिक्वायर्ड एम बी सी में uh, आपको वी uh, हैव एच टी एम एल हेल्पर्स तो डिटेल नॉलेज ऑफ एच टी एम एल जाव एंड सी एस एस इज रिक्वायर्ड तो इफ़ एम टॉकिंग अबाउट फॉर्म एस पी डॉट वेब फॉर्म प्रोवाइड लिमिटेड कंट्रोल ओवर एच टी एल जावस्क्रिप्ट एन सी एस एस एंड विच इज ने इन मैनी केसेस और वहीं पर एम बी सी जो बात करता है कि फुल कंट्रोल ओवर एच टी एम एल पे जावासक्रिप्ट एंड सी एस एस पे और विद लॉर्ट्स ऑफ कंट्रोल लाइब्रेरी अवेलेबिलिटी एंड लिमिटेड नॉलेज ऑफ अदर रिलेटेड टेक्नोलॉजी एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म इज रेपिड अप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच को फॉलो करता है एंड वहीं पर जो एम बी सी होता है इट इज़ अ स्टेप बैक फॉर डेवलपर डिक्रीजिंग इन द प्रोडक्टिविटी ओके बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू तो एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म इज ए गुड फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन एंड विथ लिमिटेड टाइम्स विदिटेड टीम साइज ओके बट वहीं पर अगर हम एम की बात करें तो इट इज़ बेटर एज वेल एज रिकमेंडेड अप्रोच फॉर लार्ज स्केल एप्लीकेशन वेयर डिफरेंट टीम आर वर्किंग टूगेदर सो एस पी डॉट एट वेब फॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स टाइप कैन बी एस टी एम ओनली एंड इफ वी वांट एनी अदर रिस्पॉन्स टाइप वी नीड टू राइट सम कॉम्प्लेक्स कोर्ट और वहीं पर एम बी सी में रिस्पॉन्स टाइप कैन बी एस टी एम एल या जे एस एन ई टी सी ओके तो ये कुछ डिफरेंस है एएसपी डॉट नेट वेब फॉर्म और एम वी सी के बीच में तो एक चीज आप जान लो कि एमवीसी आने से आपका एच टी एमएल जो वेब फॉर्म है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा बेसिकली दोनों ही दो अलग टेक्नोलॉजी हैं डॉट नेट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए अगर आप एएसपी डॉट नेट में वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपके पास दो अप्रोच है पहला अप्रोच है कि वेबसाइट आप, आप बना सकते हो वेब फॉर्म की हेल्प से या वेबसाइट आप बना सकते हो एम वी सी की हेल्प से तो दोनों ही दो अलग अलग टेक्नोलॉजी है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही कैसा लगा आपको वीडियो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक केयर बाय बाय